हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सभी को पता ही है कि कैसे कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है और तेज़ी से बीमारी की संख्या मनुष्य में बढ़ती जा रही है। और इसी को चलते हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन रखा है और इसके लिए उन्होंने लोगों से माफ़ी तक मांगी है। इसमें बॉलीवुड के सितारे हो या भारतीय क्रिकेटर के खिलाड़ी, सब अपने फैन से निवेदन कर रहे हैं कि वे घर पर ही रहे और वे खुद भी घर पर ही है। हमें घर में रहने के साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि अपने घरों के आसपास साफ सफाई रहे। इतना ही नहीं, अपने दरवाजे के हैंडल और डोरबेल की स्विच हो या अपना टीवी का रिमोट, सबको साफ और सैनिटाइज रखना है। और अपने मोबाइल फ़ोन को 2 से 3 घंटे में टिश्यू पेपर से सैनिटाइज करना ना भूलें। आप जब भी छींके या खांसे हाथ में रुमाल रखिए। लोगों से बात करते समय कम से कम 6 फीट का अंतर रखिए। व्हाट्सएप पे आने वाली कुछ फेक न्यूज़ से दूर रहिए, जैसे कि दारू पीने से कोरोना नहीं होता। यह बिल्कुल ही गलत बात है। दारू पीने और सिगरेट पीने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है और दारू पीने वालों को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप जब भी कोई डॉक्टर या किसी से बात करेंगे, डॉक्टर भी आपको यही सलाह देंगे कि 20 सेकेंड तक आप अपने हाथ धोया करें, चीज़ों को साफ रखिए और अपने आप को लोगों से दूर रखिए और घर से ना निकलिए। जब भी कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कृपया करके अपने नाक पे मास्क या रुमाल से अपने मुंह को ढक लीजिए। वापस घर आने पे साबुन सैनिटाइज अपने हाथ कर लीजिए। सैनिटाइज़र नहीं है तो भी आप अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धो लीजिए। कम से कम 20 सेकेंड धोने से आपके हाथ साफ़ रहते हैं। और केवल धोना ही नहीं, उसको सुखाना और अच्छे से रुमाल से साफ करना भी आपका कर्तव्य है। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। आसपास बीमार आदमी को छींकने या खांसने से भी यह हवा में फैल जाता है, जो कि हवा में 2-3 घंटे तक मौजूद रहता है। अगर आप कोई बीमार आदमी के आसपास है, वो आसपास आपके छींकता भी है, तो आपके चांसेस है कि आप इस वायरस से बीमार हो सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए। जब भी आप बाहर जाते हैं, कोई चीज़ को छूने से भी आप संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि यह कोई चीज़ों पर भी 2 से 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। अपने मोबाइल को सैनिटाइज बार बार कीजिए और आप लोगों से दूर रहिए और आप घर पे ही रहिए। घर की हर चीज़ों को साफ सफाई में ध्यान रखिए और आप दूसरों को भी सतर्क कीजिए।